उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वॉचिंग ऑफ द फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन आइडियाज़ लाया हूँ। ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन और आइडियाज़ डिज़ाइनर्स के छोटे आंगन के डिज़ाइन और ज़मीन के डिज़ाइन के आइडियाज़। एक छोटा सा आंगन स्टाइल या फनेक्शन पर छोटा होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक कि सबसे छोटे पीटीओ भी काबिले रहाइश इलाके हो सकते हैं, जो आपको घर के पिछावड़े के महदूद जगह से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होने देते हैं, ख़ास तौर पर जब आप उसे अपने तर्ज ज़िंदगी की तकमील के लिए डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप तफरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो यकीनी बनाएं कि वहाँ बैठने की जगह महदूद है, यहाँ तक कि एक नौउम्र आंगन भी आम तौर पर सुबह की काफ़ी या दोपहर की काक टहलों के लिए एक बिस्ट्रो टेबल और दो कुर्सियाँ रख सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम सजावट के तमाम इम्कानात को देखें, ज़मीन की तज़ाइन की चंद ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहले आप सूरज के सिलसिले में अपने आंगन की जगह पर गौर करना चाहेंगे। साया हमेशा डिज़ाइन का हिस्सा होना चाहिए, या तो ओवर बेड ढांचे के साथ जैसे पुरगोला या हरकत पजीर शेडिंग, पीछे हिटने वाला साइबान या बड़ी छतरी सायादार जगह फराहम करने का कम महंगा तरीका है। अगला, अगर आप रासदारी के बारे में सोचना चाहेंगे, अगर आप किसी शहरी माहौल में अपने पड़ोसी के खिलाफ परेशान हैं तो सब्ज दीवार बनाने के लिए वाइनिंग प्लांट्स के साथ एस्ट्रेट जक तरीके से रखे हुए कंटेनर्स को आजमाएं, या अरैशी पेनल्स जैसा कुछ। सब आप बाहर होते हैं तो अपने छोटे से आंगन से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ऐसा महसूस ना करें कि आप हमेशा डिस्प्ले पर होते हैं। तो क्या आप डिज़ाइनर खाली जगहों से हमारे कुछ पसंदीदा छोटे बीटियों से मुतासर होने के लिए तैयार हैं? सजीला डेकोरेशन आइडियाज़ और खलाई बहस बचत के चालाक हलों में से मज़ीन ये बैरूनी जगह हैं जिन्हें आप मौसम गर्मा के आने से पहले दोबारा बनाना चाहेंगे। छोटे होने के दौरान ये आंगन सान फ्रांसिस्को के घर में डिज़ाइन टीमों के ज़रिए रंगीन बेकर डिज़ाइन मीडियम प्लेट और टेरिम प्रू एक मंच पैक करता है। बैठने मेज़ और आग के गढ़े को मुनासिब तरीके से साइज़ किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इलाके को ज़्यादा पेड़ महसूस ना हो। हरियाली जिसमें चीरी लार हेज में शामिल है, जो वक्त के साथ बढ़ेगा, सुकून के एहसास को बढ़ाता है। अगर आपके पास सजावट के लिए ज़्यादा दीवार या ज़मीनी जगह नहीं है तो आप अपने आंगन को बिटरन वाली टाइलों से इतकाफ़ के आंगन के लिए नुमाया करें। डिज़ाइनर और सफ़ेद रंगों का इंतखाब किया बानिस की तफसीलात वाली कुर्सियाँ इर्द गिर्द की ज़मीन की डिज़ाइन के साथ बिल्कुल फिट बैठती हैं। हिरनिंग बून बैटरन में रखे हुए ईंटों के प्योरस के ने साथ ही कंगन पर इंटीरियर डिज़ाइन फॉर्म एक छोटा सा बिस्ट्रो टेबल रखा जिसमें एक धब्बादार टॉप था, बैक लाइट स्क्रीन स्टॉल और बेंच सीटिंग इस इलाके को ज़्यादा खुला महसूस करते हैं। अगर आप छोटे से बिछावड़े के साथ काम कर रहे हैं और आपके पास लान और आंगन दोनों के लिए जगह नहीं है तो दोनों को घास से अलग किए हुए पत्थर के प्योवर्स के साथ जोड़ें। मखलूत मवाद भी
مینیکیور شکل پیش کرتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر ڈیزائنر برکل کی 1930 کی دہائی کی اس کارٹیج کو لیں۔ آپ نے آنگن کو فطرت میں پائے جانے والے مختلف عناصر سے گھیر لیں، گملے والے پودوں اور بڑے درختوں سے لے کر بے ترتیب شکل والے پتھر کے پیورس اور پتھر نے کینیوں چمنی تک۔ اس آنگن پر جدید باپ کے لیے سے اور سفید دھاری دار کرسیاں شامل کیجیے۔ ایک روشن سفید آنگن کو گرم کرنے کے لیے مونیومی ڈیزائن نے چونے کے پتھر کے فرش، ٹراول ٹائن کالم اور ٹیرا کوٹا کے نرم شیڈس میں فرنیچرز کو شامل کیا۔ نتیجہ ایک ایسی جگہ جو کھلی اور ہوا دار محسوس ہوتی ہے لیکن آرام دہ اور پرسکون بھی۔ ایک چھوٹے سے آنگن کو بہت ساری ساخت کے ساتھ بیان کرنے کی جگہ میں تبدیل کریں۔ ڈیزائنرز کا یہ علاقہ بہترین مثال ہے۔ فرش ہموار اور بناوٹ والی شکل کے لیے کنکریٹ میں پیورس اور کنکریوں سے بنا ہوا ہے۔ بیکر فرنیچر پیٹرن والے تکیے اور ایک عالیشان کمبل نظر کو مکمل کرتا ہے۔ ٹیک ساس کے ایک گھر کی پارٹی پلازا کے لیے ڈیزائنر لنڈا اسلیٹ نے رنگ سکیم کو غیر جانبدار رکھا۔ نرم رنگ ایک آرام دہ احساس پیدا کرتے ہیں جبکہ سادہ فرنیچر اسے صاف ستھرا محسوس کرتا ہے۔ ایک چیکنا جدید آنگن پر ڈیزائنر رابسن رائی واضح دار مواد کو نمایاں کرنے دیتا ہے۔ پرجوش نیلے تانے بانے میں لپٹی ہوئی بیٹھک اور لکڑیوں سے بھرے ہوئے کونا جوش میں اضافہ کرتی ہے۔ پارٹی فرنیچر سے پرہیز کیجیے۔ ڈیزائنر سمر جنسن کے ایک آنگن پر سفید عالیشان تکیوں والی چار دھاتی کرسیاں آرام دہ بیٹھنے کی پیشکش کرتی ہیں جو بھاری نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے علاقہ کا محدود محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی کرسیاں ہر کسی کو اپنے مخصوص جگہ سے لطف اندوز ہونے دیتی ہیں۔ جگہ کی کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آنگن پر آؤٹ ڈور بار نہیں رکھ سکتے ہیں، اسے صرف اس ڈائننگ ایریا کی